दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और पुदीना तो हमें आसानी से मार्केट में मिल ही जाता है। हम में से कई तो अपने घरों में ही पुदीना को लगाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है पुदीने से बनी हुई, जिसे हम मिंट का फ्लेवर देंगे जिस पराठे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मिंट लेयर पराठा, यानी कि पुदीना का लच्छा पराठा। यहाँ पर हम एक बंच जो है मिंट की लेंगे, पुदीना जिसे कहते हैं हम। फ्रेश पुदीना लिया है मैंने यहाँ पर, इसको जो है हम चॉप कर लेंगे फाइनली। ये देखिए, चॉप करके इस तरह से आएगा ये। इसको अगर हम कप में लेंगे तो ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर हम 1 कप व्हीट फ्लावर लेते हैं तो उसके लिए हाफ कप पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पर पुदीना थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं 1 कप व्हीट फ्लावर एंड 1/4 कप और एक्स्ट्रा लूँगी, ताकि हमारा पुदीना जो है सारा यूज़ हो जाए उसमें। आइए, एक बड़े से बोल में हम आटा लगाएंगे, उसके लिए हम 1 एंड 1/4 कप व्हीट फ्लावर ऐड करेंगे। लच्छा पराठा अधिकतर जो है मैदे से बनाया जाता है, बट हम आज व्हीट फ्लावर से बनाएंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला एंड अपना चॉप किया हुआ हम मिंट ऐड कर देंगे। यहाँ पर पुदीना जो हमने चॉप करके रखा था, सारा पुदीना ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप मिंट का जो पाउडर आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है ग्रॉसरी स्टोर पर, आप वो भी इस आटे में ऐड करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पर। आप अगर अदरक पसंद करते हैं तो आप ग्रेट करके अदरक भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसको पहले हम हाथों से ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक सॉफ्ट नॉर्मल पराठे का ही डो तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ सारा ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। देखिए, हमारा डो बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट डो ही रखा है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़ा सा हार्ड रखना चाहें तो हार्ड रख सकते हैं। 2 ड्रॉप ऑयल से हम थोड़ा सा इसे ग्रीस कर देंगे और इसे 10 मिनट्स के लिए ढक करके रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा आटा थोड़ा सा अच्छा हो जाए सॉफ्ट। और 10 मिनट्स हो गए, हम इसे चेक करेंगे। अच्छा, सॉफ्ट दिखाई दे रहा है हमारा आटा। आइए, इसे हम अपने चकले पर निकाल लेंगे और इसे रोल कर लेंगे एक बार अच्छी तरह। इसके इक्वल साइज़ के हम बॉल्स तैयार करेंगे। साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा ही रख रही हूँ, जैसे कि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत ही थिन बेलेंगे इसको, उसके बाद हम डबल इसको बेलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इतना साइज़ का बॉल बना रही हूँ। आइए, मैं इसको आपको बेल के दिखाती हूँ। पहले हम नॉर्मली बेलेंगे इसको ड्राई फ्लोर से डस्ट करके। दोस्तों, इसे जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल के तैयार कर लें। बीच में आपको परेशानी हो तो आप ड्राई फ्लोर से डस्ट कर सकते हैं इसे दोबारा। और एकदम पतला इसे बेल करके तैयार कर लें। हमने देखिए बेल करके तैयार कर लिया है। मैंने बहुत ही पतला बेला है, जितना पतला मैं कर सकती थी। ये देखिए, इसका इतना बड़ा साइज हो गया है। आइए, इस पर अब हम देसी घी लगाएंगे। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी लगा रही हूँ। ब्रश से अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे ऑल टुगेदर। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर चुटकी भर जो है गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, बट आप ऐसा करके देखिए, पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको ऊपर से हम टॉप से इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। आप वीडियो में देखते जाइए ध्यान से, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से ये जो है फोल्ड हो जाता है। थोड़ा सा इसे स्ट्रेच भी करते जाएं, क्योंकि जितना स्ट्रेच लंबा हो गई उतने ही लेयर्स अच्छे बनेंगे हमारे पराठे में। ये देखिए, इस तरह से जो है आप इसको फोल्ड करते जाएं एंड तक।
लास्ट में आप इसको स्टिक कर दें, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दें, और अब इसको इस तरह से जो है हम पेड़े का एक शेप दे देंगे जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। ऊपर से भी हम थोड़ा सा देसी घी लगाते हैं इस पर, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें अच्छा एक लेयर आए। और इस तरह से जो है हम इसको पेड़े का एक शेप दे देंगे रोल करते हुए, ये देखिए बहुत आसानी से रोल हो जाएगा ये। इसका एंड ला करके हम पीछे की ओर इस तरह से प्रेस कर देंगे, ये देखिए हमारा एक लच्छा पराठे का पेड़ा बन करके तैयार है। बहुत अच्छे लच्छे पड़ेंगे इसमें, देखिए कितनी लेयर्स आई हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसे हाथों से ही बड़ा करें, बट हाथों से बड़ा करने में अगर आपको डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। बट बेलन से बेलते समय आप ध्यान रखें कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। अगर हम इसको प्रेस करके बेलेंगे तो हमारे सारे लच्छे जो हैं प्रेस हो जाएंगे और अच्छे से खेल कर नहीं आएंगे। तो मैं बहुत ही हल्के हाथों से बेल रही हूँ इसे, और थोड़ा सा इसे थिक ही रखेंगे। बेल करके तैयार है हमारा लच्छा पराठा, ये देखिए। इसको प्लेट में रख लेते हैं, और इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम तैयार कर लेते हैं। सभी पराठे मेरे तैयार हैं। आइए अब हम एक तवा गरम करेंगे, थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। आप इसे बटर में सेकना चाहें तो बटर, या फिर देसी घी में सेक सकते हैं। फ्लेम को मैंने हाई रखा है, और इसे उलट पलट करते हुए हम अच्छी तरह से सेक लेंगे अच्छी चित्ती आने पर। ये देखिए पराठा अच्छी तरह सेकना शुरू हो गया है। मैं आपको लेयर्स दिखाती हूँ फोक से, ये देखिए अच्छे से लेयर्स भी इसमें आने लगे हैं, प्रॉपर दिखने लगे हैं। अच्छा क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हम इसे सेक लेंगे हाई फ्लेम पर ही। पराठा हमारा तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं तवे से बाहर। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। आइए मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। आप थोड़ा सा, बहुत गर्म है अभी ये, थोड़ा सा आप इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको लेयर्स और खुल के दिखाई देंगी। फोक से भी इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बाकी के वीडियो भी जानने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर जाएं और बाकी के वीडियोस भी देखें। आप इस पे बटर रखें और इसे अचार, कर्ड, रायते या फिर किसी के भी साथ सर्व करें, ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर लंच में। जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।